हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अपना प्रॉपर्टी अपनी की। तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं 105 गज में बना हुआ 2BHK का लग्जरी फ्लैट। जैसे आप फ्लैट में एंटर करते हैं उसके साथ हमें यहाँ पे एक छोटा सा कमरा मिलता है। आप इसको नॉर्मली एज अ पूजा रूम या तो आप इसको अपना स्टोर रूम यूज कर सकते हैं। काफी स्पेशियस है, एज अ पूजा रूम आपको बहुत अच्छा यहाँ पे वाइब आने वाला है जैसे आप फ्लैट में एंटर करेंगे। साथ में बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया का। तो 10x20 का ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया मिलता है जो कि काफी खुला डुला है, आप देख सकते हैं। साथ में बात कर लेते हैं जो यहाँ पे वॉलपेपर यूज किया गया है एंड जितने भी यहाँ पे फॉल सीलिंग लेके आपका टीवी पैनल लेके जितने भी यहाँ पे वुडवर्क का काम किया गया है सारी चीजों को कंबाइन कलर कॉम्बिनेशन के साथ मिला के यहाँ पे किया गया है। बात कर लेते हैं इसके साथ जो हमें लिविंग एरिया में हमें यहाँ पे एक टीवी पैनल मिलता है जो कि काफी एक अच्छा यूनिक डिजाइन के साथ मिलता है। और इसमें जो आपको सनमाइका यूज किया गया है आप देख सकते हैं, जो हमारा फॉल सीलिंग है उसके साथ बिल्कुल कलर कॉम्बिनेशन के साथ किया गया है। यहाँ पे एक यूनिक डिजाइन में आपको फॉल सीलिंग देखने को मिलता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अपने किचन की। तो 8x8 का किचन है, फुल मॉड्यूलर किचन आपको मिलने वाला है। बात कर ले तो आपको किचन में भी फॉल सीलिंग मिलता है। यहाँ पे जो डेकोरेशन की गई है आप लाइट कॉम्बिनेशन के साथ वो भी देख सकते हैं। किचन में हम अपने टाइल कॉम्बिनेशन की बात करें तो हमें यहाँ पे व्हाइट कलर की टाइल देखने को मिलती है। यहाँ पे हमारी ग्रेनाइट यूज की गई है। साथ में बात कर ले यहाँ पे स्टोरेज की तो काफी अच्छा यहाँ पे हमें स्टोरेज देखने को मिलता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अपने पहले बेडरूम का। तो जो हमारा पहला बेडरूम होने वाला है वो 10x12 का पहला बेडरूम होने वाला है जो कि एक नॉर्मल साइज और एक अच्छा साइज माना जाता है एक बेडरूम के लिए। साथ में बात करें तो यहाँ पे आपको जो वॉलपेपर का डिजाइन देखने को मिलता है, हर जगह आपको जो वॉलपेपर का डिजाइन देखने को मिलता है वो अलग अलग देखने को मिलता है। साथ में हम बात कर लेते हैं फॉल सीलिंग का, तो यहाँ पे एक आपको अलग कंसेप्ट पे फॉल सीलिंग देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे टीवी पैनल और कबर्ड्स के, तो यहाँ पे एक अलग तरीके का जो हमारा सनमाइका यूज किया गया आप देख सकते हैं, काफी अच्छा एक टीवी पैनल यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पे ड्रेसिंग के लिए भी आपको छोटी सी जगह दी गई है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अपने कबर्ड की। तो जो हमें कबर्ड मिलता है वो फुल साइज का कबर्ड मिलता है और काफी स्पेसियस हमें ये कबर्ड देखने को मिलता है। आपको मैं एक बार कबर्ड खोल के दिखाता हूँ अंदर से। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अपने अटैच वॉशरूम की। तो हमारे पास अटैच वॉशरूम मिलता है जिसकी साइज होने वाली है 5x5 का, क्योंकि काफी एक बढ़िया स्पेस का हमें जो है वॉशरूम मिलता है। साथ में बात करें टाइल्स का तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फुल साइज की टाइल यूज की गई है। सारी अगर मैं फिटिंग्स की बात करूँ, सारी जो फिटिंग देखने को मिलती है सारा की फिटिंग देखने को मिलती है। वेंटिलेशन के लिए बात करें तो यहाँ पे हमें वॉशिंग एरिया मिलता है जिसका की अटैच हमें दूसरे रूम के साथ मिलेगा एंड यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए एक अच्छी सी विंडो दी गई है जहाँ से आपको अच्छा वेंटिलेशन मिलता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे बेडरूम में। तो हम जैसे अपने दूसरे बेडरूम में एंटर करते हैं तो पहले सबसे पहले इसकी अगर हम साइज की बात करें तो 10x12 का इसका साइज मिलता है। इसमें आप देख सकते हैं काफी एक यूनिक डिजाइन में आपको इसका वॉलपेपर देखने को मिलता है और इसमें जो आपको फॉल सीलिंग देखने को मिलता है वो टोटली डिफरेंट देखने को मिलता है लिविंग और फर्स्ट बेडरूम के कंपेरिजन में। यहाँ पे भी आपको एक सिंपल सा जो है वो टीवी पैनल दिया गया है। इसमें भी जो अगर हम बात करें सनमाइका का तो वो डिफरेंट तरीके का यूज किया गया है। इसमें भी आपको कबर्ड जो मिलता है फुल साइज का कबर्ड मिलता है एंड कबर्ड के साथ ही आपको जो यहाँ पे ड्रेसिंग के लिए जगह मिलती है। साथ में बात कर ले कबर्ड यहाँ पे हमारा बहुत ही ज्यादा स्पेसियस होने वाला है एंड इसके साथ बात कर लेते हैं अपने दूसरे वॉशरूम का जो कि दूसरे रूम के साथ अटैच होने वाला है। इसमें भी हमारा हाईलाइटर वॉल है, इस पर दूसरे तरीके की टाइल यूज की गई है एंड जो दूसरे वॉल है यहाँ पे हमारी दूसरे तरीके की टाइल यूज की गई है। साथ में बात कर ले यहाँ पे सारी फिटिंग्स की, तो जितने भी यहाँ पे आपको फिटिंग्स देखने को मिलती है वो सारी जो है सहरा की फिटिंग देखने को मिलती है। बात कर लेता हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वॉशिंग एरिया जो हमारा है वो दूसरे रूम से अटैच मिलता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा हमें वॉशिंग एरिया देखने को मिलता है। साथ में बात कर लेते हैं वेंटिलेशन के लिए, तो आप देख सकते हैं जो वहाँ पे दूसरा घर बना हुआ है उसके बीच में हमें थोड़ी सी स्पेस मिलती है ताकि हमें वेंटिलेशन अच्छे से मिल सके। अब हम बात कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी कहाँ है, ये प्रोजेक्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो मेन ये जो प्रोजेक्ट हमारा लोकेटेड है 127 सेक्टर में लोकेटेड है और इसकी कनेक्टिविटी की बात करूँ तो यहाँ से 300 से 400 मीटर के डिस्टेंस पे आपको खरड़ लांड्रा हाईवे मिल जाता है एंड साथ में अगर मैं बात करूँ एयरपोर्ट रोड का तो आपको 600 से 700 मीटर के डिस्टेंस पे हमारा एयरपोर्ट रोड मिल जाता है।
तो कनेक्टिविटी देखें तो इसको बोथ साइड से कनेक्टिविटी मिलती है और बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है। साथ में बात करूं तो एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी है, एमसी अप्रूव सोसाइटी है, आप यहां से देख सकते हैं। साथ में बहुत सारी जो है वो न्यू कोठी यहां पे बन रही है, बट बसते यहां पे सारी जो कोठी है पहले से सोल्ड आउट हो चुकी है, तो फ्लैट अभी यहां पे अवेलेबल है, वो भी लिमिटेड इन्वेंटरी में आपको यहां पे फ्लैट भी मिलेंगे। तो सोसाइटी अच्छी होने वाली है, यहाँ पे जो ये सोसाइटी है वो एमसी अप्रूव सोसाइटी होने वाली है। प्राइसिंग की बात कर ले तो यहाँ पे 3190 से जो है वो प्राइसिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है। प्राइसिंग बिल्कुल नेगोशिएबल है, आप ऑन कॉल इसको नेगोशिएबल कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट के रिलेटेड अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।